यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है। मैं इसके पहले एन पद कैसे निकाला जाता है, यानी एनवा पद कैसे निकाला जाता है, इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एन पदों का योगफल। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल का टोटल, इस पर जो है 5-7 जो है कंसेप्ट बने हैं, उस सारे कंसेप्ट को मैं एक ही वीडियो में दिया हूं। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि एन पदों का योगफल निकालने में पहले जब कंसेप्ट जानकारी होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उसी कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए प्लीज़ उस कंसेप्ट को पहले देखिए। देखिए एक सवाल है कि ये 0.15 0.0015 0.0015 20 पदों तक ये दिया हुआ है, तो इनके n पदों का योगफल निकालना है। n पदों का योगफल देखिए, यहाँ से a बराबर 0.15 हो जाएगा। सार्व अनुपात निकालने के लिए हम लोग इससे इसमें भाग करते हैं, तो हम इससे इसमें भाग करेंगे, भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यहाँ से n यानी कि sn निकालने के, n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है sn बराबर n a इंटू 1 माइनस r के पावर n/1 r। ये फार्मूला ध्यान होनी चाहिए कि r का मान 0 से छोटा होना चाहिए, सॉरी r का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो r का मान निकला है, देखिए तो 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तब ये लिखा है। 1 से बड़ा होगा तो इसका फार्मूला कुछ और होता है, पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो sn बराबर ये फार्मूला आपने समझ गया, a के जगह पर आपने ये भरना है आपको, 1 माइनस r के जगह पर आपको 0.1 भरना है, और n के जगह पर कितना, 20वां पद, तो 20 भर देना है। 1 माइनस r के जगह पर कितना भरेंगे, 0.1, आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिख देना है। एक में से 1.0 घटेगा तो 0.9 आएगा, इसको आपको s20 लिखना है। अब यहाँ से देखिए, मैं 15/9 लिखा हूँ सीधे, अब यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो एक अंक के बाद 0.1 अंक बाद है तो ऊपर 1 0 बैठ जाएगा, और इसमें 10 के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 बैठ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा दीजिएगा और बाकी आप ऐसे उतारना है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और 15/9 में 10 × 90 हो जाएगा, 15 × 90 यानी कि 1 माइनस 0.1 के पावर 20 मतलब 20 और बट्टा कितना होगा, 6। इसका आंसर इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि आपको इसको 20 बार लिखेंगे, लिख करके क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, घटा करके 6 से भाग करते आंसर आ जाएगा। तो उतना नहीं बल्कि आपको इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो मेरे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और इस चैनल पर सिर्फ मैथ के वीडियो मिलते हैं, सिर्फ मैथ का ही वीडियो मैं इस चैनल पर देता हूँ। अभी तक क्लास 1 से 10 क्लास तक टोटल मैथ का वीडियो मैं चैप्टर वाइज दे दिया हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। शुक्रिया आपको।